हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सिंह, आपको यूट्यूब चैनल जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है केयरिंग बचपन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है एक कहानी सुनाने वाले हैं और कहानी का शीर्षक है बिना बिचारे जो करे वो पाछे पछताए। तो बिना देर किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बाबू। ये मेरे साथ जो बैठे हैं इनका नाम है, आपका क्या नाम है बाबू? नमन इनका नाम जी नमन सिंह है। अभी भी कहानी आपके साथ सुन रहे हैं। तो एक बार की बात है, एक दयालु पंडित जी रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक नेवला मिल गया। नेवला, उसकी मम्मा मर और गई। उस जो नेवला जो बच्चा था उसकी माँ जो थी वो मर गई थी। उसी के पास वो नेवला बैठ के रो रहा था। पंडित जी को दया आ गई और उसको पंडित जी अपने साथ अपने घर ले गए उस नेवले को। तो पंडित जी जो है पहुंचने के बाद अपने घर पर अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो मैं क्या लाया हूं, तुम अब इसको इसका भी देखभाल करो। यानी अपने बच्चे का, जो उनके पास एक बच्चा भी था, उन्होंने कहा कि जब तुम अपने बच्चे का देखभाल करती हो तो इसका भी जो है इसकी भी देखभाल करो। तो उनकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, लाइए मुझे दीजिए। उसके बाद नेवले का बच्चा, उनका बेचारा नेवले का बच्चा, जल्दी ही वो जो है नेवला जो था, बच्चा जो था, वो धीरे धीरे खा पी कर गोल मटोल होकर के बड़ा हो गया। और उनके जो उनका जो बच्चा था उनके साथ वो खेलने लगा, लड़का जो था छोटा सा उनके साथ खेलने लगा। उसके दांत बहुत नुकीले थे, जो वो नेवला था उसका दांत जो था वो नुकीला हो गया था, क्योंकि वो बड़ा हो गया था तो उसका दांत बहुत नुकीला हो गया था। तो उनकी पत्नी अक्सर सोचती रहती थी कि ये जो जानवर है ये तो बहुत प्यारा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन है तो ये जंगली जानवर ना, है तो जंगली जानवर, खतरनाक जानवर है। और मुझे हमेशा इसको दिमाग में सोचती रहती थी कि हमें मुझे जो है हमेशा इसे सावधान रहना चाहिए। अब जो पंडित जी की पत्नी थी वो कहती हैं कि पंडित जी से कहती है कि मैं पानी लेने जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा नेवला हमारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो पंडित जी कहते, तुम बेकार में चिंता करती हो, वो अपने भाई को कभी जो है नुकसान पहुंचाएगा? थोड़ी देर के बाद पंडित जी जो है पत्नी का इंतजार करते हैं, बहुत देर तक तो बैठे रहते हैं। पानी वो लाने गई थी और अभी तक तो वापस नहीं आई। अब पंडित जी को बाजार जाने की जल्दी हो गई, पंडित जी बाजार जाना चाहते थे। तो वो सोचने लगे कि अब मुझे चलना चाहिए, लाओ मैं बजा जाऊं, ये तो बच्चे को देख ही रहा है और बच्चे के साथ खेल रहा है, बहुत ही अच्छा जानवर है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंडित जी वहां पे घर पर घर से चले गए, उनके साथ जो है उनका जो बच्चा था वो और वो नेवला साथ में खेल रहे थे उसी घर के अंदर। उसी समय जब पंडित जी चले गए, उनकी पत्नी वहां पे पानी ला के भी लौटी नहीं थी, उसी समय उनके घर में एक सांप आया और नेवले ने देखा कि सांप आया है, ये मेरे भाई को काट लेगा। तो अपना भाई मानता था, पंडित जी के लड़के को अपना भाई मानता था नेवला। तो नेवले ने कहा कि ये हमारे जो भाई हैं उनको ये काट लेगा सांप। तुरंत नेवला जो है वो सांप से झगड़ा करने लगा, लिबट करने को भगाने लगा, उसको भगाने का प्रयास किया। और अपने नुकीले दांत था उनको मार डाला। हाँ, लड़ाई उसके साथ हुई और नेवले ने अपने नुकीले दांत से सांप को जो है मार डाला, काट डाला उसको। अब उसके दांत में, उसके जो दांत, उसका दांत बड़ा बड़ा था नेवले का, उसके दांत में खून लगा था। अब उसने सांप को मार डाला और खून मुंह में लग गया। अब वो जो है जब उसने देखा कि वो देखो पंडित जी की पत्नी आ रही है, तो उनको खुशी के मारे जो है जल्दी से बताने के लिए चला कि मैंने सांप को मार डाला, मैंने अपने भाई को बचा लिया, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब पंडित जी की जो पत्नी थी उन्होंने जैसे ही देखा कि नेवले के मुंह में जो है खून लगा है तो वो समझ गई कि इसने मेरे बेटे को जो है नुकसान पहुंचाया है, या काट लिया होगा या कुछ कर लिया होगा। तुरंत उन्होंने न सोचा न समझा, और जो वो जो पानी की जो गगरी लेके आ रही थी, मिट्टी का जो बर्तन है जिसमें पानी रखा जाता है, लेके आए थे, उसको उठा के नेवले के ऊपर फेंक दिया और जल्दी जल्दी चिल्लाते हुए जाने लगे कि मेरे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, कहते हुए अपने घर के अंदर भागी। जब वो घर के अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बच्चा तो सो रहा है।
जो बच्चा था वो सो रहा है आराम से, और एक किनारे जो है सांप मरा हुआ है, खतरनाक सांप जो है मरा मरा हुआ है। उसको लगता है कि हाँ इसे किसी ने दांत से काट डाला है उसको। अब वो रोने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने नेवले के ऊपर वो गगरी फेंक दी, नेवला भी मर गया और उस नेवले ने मेरे बच्चे को अपनी जान पर खेल के बचाया है। और अब वो रोने लगी और जो है बहुत पछतावा होने लगा उनको। लेकिन अब क्या करें, बिना बेचारे जो काम उन्होंने कर दिया, अब नेवले को जिंदा कर नहीं सकते, नेवला मर गया। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बिना बेचारे जो हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये थी सांप और नेवले की कहानी। और बिना बेचारे जो करे वो पाछे पछताए। अब पंडित जी की पत्नी बार बार पछता रही थी, लेकिन पछताने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।